वेल नाउ अदर यूजफुल एनिमल्स की जब बारी आती है तो क्या सब आता है? तो वेल देखो, लाइक हमें हनी पसंद है, वी लाइक टू ईट हनी, हम लोग को हनी खाने में अच्छा लगता है, इट हैज़ ए स्वीट टेस्ट, राइट? इसका इसका जो है मीठा टेस्ट होता है. नाउ वी गेट हनी एंड बीज वैक्स फ्रॉम हनी बीज. हम जो है हनी और बीज वैक्स जो होता है, बीज का बना हुआ जो मोम होता है, वो हम हनी बीज से प्राप्त करते हैं. एंड या इट इज़ गुड टू टेक हनी इन कफ एंड कोल्ड. ये अच्छा माना जाता है, कफ और कोल्ड में हनी लेना जो है वो अच्छा माना जाता है. अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब हम वी गेट हनी एंड बीज वैक्स फ्रॉम हनी बीज, ये कैसे होता है? वेल हनी बी वो जो है हनी कॉम्ब बनाती है, जैसे मधुमक्खी का छाता बोलते हैं. इससे फिर जो है हम हनी निकालते हैं और फिर जो है इसी से जो है बीज वैक्स बनता है. इसके अलावा जो है जैसे द डंग ऑफ हॉर्सेज, काउज, कैमल्स एंड गोट्स आर यूज्ड एज मैन्योर इन द फील्ड्स. जो गोबर होता है घोड़े का, गाय का, ऊंट का और बकरी का, वो जो है मैन्योर के तौर पर यूज होता है फील्ड्स में, खेतों में, ठीक है, खाद के तौर पर. काउ डंग केक्स आर यूज्ड एज फ्यूल इन विलेजेस. गाय के गोबर का जो बनता है केक, बेसिकली इसको हम लोग के यहाँ जो है गोइठा बोलते हैं, राइट? तो काउ डंग केक्स या गोइठा जिसको बोलते हो, तो ये जो है गाँव में जलावन के तौर पर यूज होता है. अभी भी कुछ जगह पर ये जलावन के तौर पर यूज होता है, ठीक है. फिर वी कीप सम एनिमल्स एज पेट्स इन आवर होम्स. हम जो है कुछ एनिमल्स को अपने घर पर पेट के रूप में रखते हैं, पालतू जीव के तौर पर रखते हैं, जैसे डॉग्स, पैरट्स एंड कैट्स. ऑफकोर्स डॉग्स गार्ड आवर होम्स. कुत्ते जो है वो हमारे घर की रखवाली करते हैं. दे ऑल्सो हेल्प पुलिस टू कैच थीव्स. वो जो है पुलिस की मदद भी करते हैं चोरों को पकड़ने में. एंड या कैट्स कीप रैट्स अवे फ्रॉम आवर होम्स. कैट्स कीप रैट्स अवे फ्रॉम आवर होम्स. बिल्लियाँ जो होती हैं वो चूहों को हमारे घर से दूर रखती हैं. ए काम की चीज़ें हैं ये. तो पेट एनिमल्स एंड फार्म एनिमल्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. तो जो हमारे पालतू जीव होते हैं, पेट एनिमल्स और फार्म एनिमल्स, जिनको हम फार्म पर रखते हैं, जिनको घर में हम पालते हैं और जिनको हम फार्म पे पालते हैं, ये जो है डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं. अब देखो जो भी एनिमल्स हैं जो हमारे काम के ही हैं ऑफकोर्स, तो वी शुड टेक केयर ऑफ एनिमल्स. ओके, हमें एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए. तो कैसे? तो वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स. हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए. दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स लाइक अस, राइट? दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स लाइक अस. वो भी सजीव हैं हमारी तरह. वी शुड नॉट टीज देम. हमें उनको चिढ़ाना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए. ओके, वी शुड कीप देम क्लीन. हमें उन्हें जो है साफ रखना चाहिए. ओके, वी शुड गिव देम गुड फूड, क्लीन वाटर एंड ए सेफ एंड क्लीन शेल्टर. हमें जो है उनको बढ़िया खाना देना चाहिए, साफ पानी देना चाहिए और साथ साथ जो है सुरक्षित और साफ जो है रहने की जगह, शेल्टर देना चाहिए. वी शुड टेक द सिक एनिमल्स टू द वेटरनरी डॉक्टर्स. हमें जो है बीमार जानवरों को वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए. वेटरनरी डॉक्टर कौन होते हैं? जो मवेशियों का इलाज करते हैं, जानवरों का इलाज करते हैं. ठीक है, तो हमने क्या सीखा? दैट एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स. जानवर जो है वो हमारे दोस्त हैं. दे मेक आवर वर्ल्ड वंडरफुल. वो हमारी दुनिया को वंडरफुल बनाते हैं. ठीक है, तो वेल अब आप लोग क्वेश्चन आंसर्स करिएगा जो कि बहुत ही आसान है, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेसन में जहां हम सीखेंगे कि हाउ आवर बॉडी वर्क्स. ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में. बाय बाय.